हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। एक बड़ी खबर निकल के आई है झारखंड सरकार की ओर से। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड होम प्रिजन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की ओर से, यानी झारखंड सरकार की एक बड़ी खबर है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिवीज़न की ओर से एक ऑर्डर आया है। ऑर्डर जो है वो क्या है, किस तरह का ऑर्डर है, ये आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी बातें बताई गई है। जो मेन बात इसमें है वो है कि लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया है झारखंड में। झारखंड में लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया है। बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं, लेकिन मुख्य पॉइंट इसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि लॉकडाउन कैसे बढ़ा दिया गया है, कितना दिन तक बढ़ा दिया गया है। तो ऑर्डर को आप पढ़ लेंगे, बढ़िया से समझ लेंगे। जो मेन बात है मैं उस पॉइंट पर लेकर के चलता हूँ। यस, देखिए, Whereas in exercise of the powers conferred under Section 10(1) of the Disaster Management Act 2005, the Union Home Secretary and Chairman, National Executive Committee has issued an order dated 29/4/2021 directing that the containment measures and national directives for effective control of COVID-19 would remain in force until 31/5/2021। ये जो मेन बात यहाँ बताई गई है इसके संदर्भ में, जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के संदर्भ में उस एक्ट का जिक्र करते हुए, कि जो ये लॉकडाउन है जो अभी चल रहा है वो जारी रहेगा कब तक, 31/5 यानी 31 मई तक लॉकडाउन झारखंड में चालू रहेगा। 31 मई तक लॉकडाउन झारखंड में हो गया है, तो ये बड़ी खबर है। और 31 मई तक झारखंड में लॉकडाउन हो गया है, और बहुत सारी बातें और भी बताई गई हैं, अब देखेंगे विस्तार पूर्वक। बाहर से जो लोग आएंगे उनका टेस्टिंग होगा और क्वारंटाइन भी किया जाएगा। तो चलिए, ये बड़ी खबर मैं आपको बताया कि झारखंड में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो अपडेट होगा मैं बताऊंगा।